प्रतापगढ़ जिले के से खबर है, जहां पट्टी नगर पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा सरकार में रह रहे पूर्व मंत्री और पट्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने अपने ही सरकार के खिलाफ मंच से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने का आरोप लगाया है, जिसके कि सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि पट्टी नगर पंचायत में बृहस्पतिवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां मंच से उन्होंने यह कहा कि मुझे बोलने में यह संकोच नहीं है, 42 वर्ष की राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार ना सोच सकते थे और ना देख सकते थे। वही मंच पर भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शिरकत किए हुए थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन, आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। आपकी इज्जत बची नहीं। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे, हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक था